गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो कैसे आप लोग, होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं जानता हूँ कि काफ़ी दिन से व्लॉगिंग हो नहीं पा रहा था क्योंकि मेरा तबीयत खुद ख़राब है। सिर मतलब 3 दिन से कंटिन्यूसली सिर बहुत पेन कर रहा है, काफ़ी गंदा वाला पेन कर रहा है। क्रोसिन खा लिया, डिस्प्रिन खा लिया, जो भी मेडिसिन होते हैं नेसेसरी वो भी खा लिया, बट सही नहीं हो रहा है। तो होपफुली यार डॉक्टर से, न्यूरोलॉजी से दिखाना है, तो वही प्लान कर रहा है कि दिखाए कि नहीं दिखाए, कि अगर सही हो जाए तो ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगर नहीं हुआ तो दिखाना काफ़ी कंपलसरी है। तो यही सब चल रहा है गाइस। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले उठा हूँ मैं, मतलब अराउंड 10 मिनट पहले, एंड अभी देखते हैं क्या प्लान है क्या नहीं है। अभी मम्मी से बात करते हैं, मौसा जी मेरे डॉक्टर है काफ़ी अच्छे दरभंगा के, उनसे भी बात करते हैं वो क्या सजेस्ट करते हैं, जो सजेशन होता है आप लोगों को पता चल ही जाएगा। खैर आज तो खैर मम्मी का ये आइस का चेकअप है। चेकअप क्या है, चेकअप तो ऑलरेडी हो चुका है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी होगा ही, फिक्स है, बट एक बार पटना में दिखा के, एक ABI इंस्टीट्यूट है राजेंद्र नगर में, वहाँ दिखा के हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, वो लोग क्या बोलते हैं तो जैसा होगा पता चल जाएगा। अभी चलिए फ्रेश होते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं गाइस। कल अंगूर लिया था, अंगूर देखो मोस्ट ऑफ द अंगूर सारे बहन, ये सिक्का क्या कर रहा है भाई इसमें, ये कैसे हो गया, अरे एंड मोस्ट ऑफ द अंगूर सरे हुए, जैसे देख लो आप लोग क्या बेवकूफ़ बनाते हैं यार ये लोग। मम्मी गुड मॉर्निंग, क्या हाल है, ठीक? डर लग रहा है, नर्वस हो थोड़ा थोड़ा? देखो ऑपरेशन तो होना ही है आपका मोतियाबिंद का, तबीयत नहीं खराब, तबीयत खराब है तो कितना उगली है ये दिखाई देता है वह मत करो, ऑपरेशन होगा ही, आज चलते चेकअप कराते मस्त एंड कंटिन्यू करते, देखते क्या होता है। मम्मी थोड़ी बहुत डरी हुई है क्योंकि मम्मी को लग रहा है कि इंजेक्शन पड़ेगा आँख में, बट ऐसा कुछ नहीं, आजकल तो ड्रॉप दे के सुन कर देते हैं, ऑपरेशन भी हो जाता है। तो चलिए गए देखते हैं, जो भी अपडेट होगा आपको मिलता रहेगा, बने रहे। चलिए हम तैयार होते हैं, आप लोग से फिर मिलते हैं उसके बाद। तो घर के सारे कर्टन्स वगैरह देख रहे हो आप लोग, ये सब पूरा वॉश हो चुका है क्योंकि गाइज हम लोग, मेरा तो एक रूटीन है, यहाँ पे कुछ दिन रहना है, ज़्यादा दिन नहीं रहना है, लाइक 10 दिन है तो 3-4 मंथ नहीं है, तो घर भी गंदा हो जाता है, कर्टेंस भी नहीं धुलता है, तो उसको आज धो दिया गया अच्छे से, एंड अभी ये सूख गया है एंड इसको लगाया जाएगा, मेकन आएगा तो मेकन ये लगाएगा। कहना था कि वॉशिंग मशीन पर रख दो सब, क्योंकि वहाँ गंदा लग रहा था, इसलिए उसको उठा के वॉशिंग मशीन पर रख दिया, अभी 2-4 और है उसको भी रखते हैं। तो बेटा तुम लोग भी चलो, वजह से ट्रेडमिल वगैरह जिम वगैरह कुछ हो नहीं पा रहा है, तो देखते हैं। अभी सोचा था मैंने कि जिम का मेंबरशिप लूँ यहाँ पे, बट पुणे जाना है ना, फिर वहीं पे लेंगे, अभी तो ठीक है जब तक है तब तक ये बढ़िया है, जो भी है बढ़िया है। अरे बेकूफ है, देखो क्या कर रहा है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं ABI इंस्टीट्यूट एंड मम्मी बैठी हुई बगल में, भी कुछ समय के बाद डॉक्टर बुलाने वाले अंदर, तो देखते हैं आगे क्या होता है, क्या बोलते हैं। ये यहाँ पे मस्त एक्वेरियम है गाइस, जैसा देख रहे हो आप लोग, तो मैं काफ़ी समय से इसको नोटिस कर रहा था, नहीं बच्चा भी नोटिस कर। ये अभी आइस का एग्जामिनेशन हो रहा है मम्मी का, ये देखो इसके अंदर क्या चल रहा है मुझे कुछ भी नहीं पता लग गया था प्यास बोले तो है सोचे खड़ दे क्या, पानी ले लेते गाड़ी में, आई चलिए अंदर ना, चलिए चलिए बैठिए एसी पे आराम से। पूरा मेट्रो का काम यहाँ पे हो चुका है एंड अभी यहाँ पे पानी का फुवारा आप लोग देख लो यहाँ पे, अरे रे गाड़ी पड़ा, गाड़ी पड़ा, गाड़ी पड़ा, गाड़ी पे पड़ गया, गाड़ी पे पड़ गया, पगला कहीं का गाड़ी पे मार दिया, बताइए शीशा गंदा कर दिया, तो गाड़ी में धूल बैठा हुआ था और धूल हो गया, क्या बोलते हैं मैकन जी। तो अभी हम लोग वापस घर जा रहे हैं, मम्मी को अभी टाइम लगने वाला है, मामी है अभी क्लिनिक पे, अभी मेकन को छोड़ना है घर, इनको जाना है किसी काम से, इनको ड्रॉप करेंगे आराम से चाचा, इनको ड्रॉप करेंगे एंड फिर वापस जाएंगे आई क्लिनिक। आ गया वो अभी वहाँ पे ABI इंस्टीट्यूट, जो जहाँ पे मम्मी का आँख का अभी चेकअप चल रहा है, तो वहाँ पे भी छोटी मामी है, मेरी छोटी मामी, मैं तबीयत बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, तो अभी मेकन को जाना था कहीं, तो इसीलिए उसका बाइक मेरे ही घर पर था, तो मेकन को ड्रॉप कर दिया है, अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि मम्मी का कॉल आएगा तभी जाएंगे वहाँ पे सीधा डायरेक्ट, क्योंकि अभी छोटी मामी है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं गाइस। तो गाइस देखो अभी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं मम्मी, चमक रहा
मम्मी को चमक रहा है। तो ये अभी कुछ घर का सामान सब आया है अग्रवाल के यहाँ से, उन्हीं के यहाँ से आता है। तो अग्रवाल के सामान आया है तो देखते हैं क्या क्या इसमें, उसको ओपन करते हैं और फिर दिखाते हैं आप लोग को। तो ये घर का कुछ कुछ सामान आया है, पास्ता वगैरह कल बनने वाला है तो गोल्डी मंगवाई है पास्ता, एंड ये नारियल तेल आया बड़ा वाला, गर्मी आ गया तो इसे लगाने के लिए, एंड बिस्किट वगैरह है बस, और कुछ खास नहीं है।